सो हेलो एवरीवन, कैरेट गर्वित बर्मन फ्रॉम पैसिफिक मरीन एकेडमी द साइड। एंड अभी आपका रिसेंटली लाइक फ्लीट का प्रोसीजर चल रहा है। फ्लीट एक ऐसी कंपनी है जो लाइक अगस्त बैच में बहुत सारी सीट्स के साथ आती है, अप्रॉक्सीमेटली 150-200 प्लस सीट्स के साथ आती है। एंड फेब बैच में भी वो करीब करीब 60-80 सीट्स से ज़्यादा पे ही आती है, लाइक 80 सीट्स तो मैं मान के चलता हूँ कि 80 सीट्स पे तो आती ही है। तो इतनी सारी सीट्स के साथ फ्लीट आती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है, वेसल्स भी बहुत सारे टाइप्स के हैं, अच्छी ग्रो कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है फ्लीट में। अभी वो उसका रिटर्न कुछ कॉलेजेस में हो चुका है, कुछ में बचा हुआ है, आगे जो अगस्त बैच के लिए देखेंगे उनके लिए भी मैं बता दूँ, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है जो फ्लीट का। क्या होता है फ्लीट में, देयर आर 50 क्वेश्चंस, रिटर्न जो क्वेश्चंस है वो 50 होते हैं, रिटर्न का बताता हूँ पहले, 50 रिटर्न क्वेश्चंस होते हैं। 50 रिटर्न क्वेश्चंस में लाइक सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, 11 12th की PCM भी होती है, इसके अलावा 10th तक की साइंस भी होती है, मैथ्स होती है, ज्योग्राफी हिस्ट्री GK ज्योग्राफी और वो ज्योग्राफी हिस्ट्री GK एंड एप्टीट्यूड, ये चीज़ें कवर होती हैं 10th तक। सो ये चीज़ें यू कैन प्रिपेयर है, आप ज्योग्राफी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ने बैठोगे तो स्टिल उसका थोड़ा सा उसको जो थोड़ा बहुत आपका मेमोरी में आपको ऑलरेडी है उसके बेसिस पे आप उसे अटेम्प्ट कर देना और यही कर सकते हो, बाकी तो यू कैन डू। ज्योग्राफी तो आपका पढ़नी ही पड़ेगी, लाइक जो थोड़ा लाइक शिप बेस्ड शिप से रिलेटेड ज्योग्राफी होता है, लाइक आपको वर्ल्ड के बारे में और वह सब कुछ तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, दैट लॉन्गेस्ट रिवर नाइल होती है और ये सारा सब कुछ। उसके अलावा करंट अफेयर्स से भी पूछ लेते हैं, सी फेयरर्स डे बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है उनका, मर्चेंट नेवी के डे के बारे में और ये सारी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो उनका ऐसा है, उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन होते हैं एंड आपका जो सेट होगा उसमें रैंडमली 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो PYQ अगर कहीं से मिले तो यू गाइस कैन प्रिपेयर वहाँ से, बट आपका जो सेट होना है वो बहुत रैंडम सेट उठ के आता है तो उसमें कहीं से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें हर एक का एक मार्क्स मिलता है और एक गलत करने का आपको 1/3 की पे नेगेटिव मार्किंग देते हैं, ठीक है। जो 50 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम होता है, 30 मिनट्स इज एनफ यार। आई हैव क्लियर्ड फ्लीट का मैं क्लियर कर चुका हूँ, रिटर्न इंटरव्यू ऑल द थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई एम गाइडिंग यू दैट इतना डिफिकल्ट नहीं होता रिटर्न, ठीक है। बात करते हैं इंटरव्यू की, इंटरव्यू डिफर्स, इंटरव्यू जो है ना वो लाइक ऐसा है, आई गेव इंटरव्यू इन गुरुग्राम में इनका ऑफिस है DLF में, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे ऐसा था यार, इनका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है ना थोड़ा कंपनी से अलग है, ये रिलीजियस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई सिख है तो उससे पूछ लेगा आपने 11 गुरुओं के नाम बताओ, लाइक जो भी इनके सिख गुरुज होते हैं, उसके बाद मुस्लिम से मुस्लिम माइथोलॉजी से पूछ लेगा, हिंदू से हिंदू माइथोलॉजी से पूछ लेगा, आपसे रामायण महाभारत एंड ऑल दैट क्वेश्चंस दे कैन आस्क। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देयर मूड, वो अपने मूड के ऊपर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछ सकते हैं। मेरे से उन्होंने AM PM के फुल फॉर्म भी पूछी थी, एंटी मेरिडियन प्राइम मेरिडियन, उसके अलावा उन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, लाइक वो ऐसे होता है वो आपको एक एप्टीट्यूड का या लॉजिकल एबिलिटी का क्वेश्चन देते हैं एंड आपको पेंसिल नहीं यूज़ करनी होती, दिमाग में कैलकुलेट करके बताना होता है, सो ऐसा भी कर सकते हैं। वो कहीं पे इंग्लिश भी पूछ सकते हैं, लाइक इट्स टोटली लाइक थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइप होता है, लेकिन स्टिल रिलीजियस चीज़ें वो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, सो थोड़ा फोकस करो इस पे। अनप्रेडिक्टेबल होता है बेशक, बट स्टिल यार अगर आपने प्रिपेयर अच्छा किया, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप कर पाओगे इजीली, ठीक है। बाकी इसकी और अच्छी प्रिपरेशन के लिए पैसिफिक मरीन अकेडमी हुआ, इसको ज्वाइन, यहाँ पर हम अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं, मैं खुद मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ फ्लीट वालों के, सो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा रहे हैं, हमारा ऑलरेडी अभी रिसेंटली जो होता है उसमें बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फ्लीट में और तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन चल रहा है, तो इसीलिए आई कैन गाइड यू दैट फ्लीट का होता है वो इससे। उसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, इंटरव्यू का रिजल्ट वो साथ साथ बता देते हैं, उसके बाद यू हैव टू गो फॉर साइकोमेट्रिक एंड साइकोमेट्रिक देने के बाद यू आर सेलेक्टेड इन फ्लीट मैनेजमेंट। अगर आपके 70 प्लस PCM और आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उन्होंने मेंशन था वो फुलफिल कर रहे हो तो आप इजीली जा सकते हो। देन वो कॉलेजेस में भेजते हैं आपको पढ़ने के लिए, उनके अंडर IMI आता है, IMI नोएडा जो है, TS रहमान आता है और 7 Island आता है। रिसेंटली उन्होंने फैब बैच में एमिट नहीं लिया, लेकिन वो एमिट भी आता था, तो दीज आर द कॉलेजेस जो फैब बैच में आते हैं। अगस्त बैच में टोलानी भी ऐड हो जाता है, लेकिन फैब बैच नहीं होता टोलानी का कोई, तो अभी टोलानी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लीट मैनेजमेंट, कोई और डाउट है तो कॉमेंट आप डाल सकते हो अभी नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल और वीडियो दोनों को शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई डाउट है तो पैसिफिक को कॉन्टैक्ट करो, पैसिफिक को ज्वाइन कर सकते हो टू प्रिपेयर, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विद अस।